गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वादिष्ट खाना किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिरी। तो आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से काट के और वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। और गाइस, इसी के साथ ये खरोड़े भी हैं जिन्हें भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। और ये हमने कुकर में ऑयल चढ़ा दिया है, तो हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होता है फिर उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, आपको दिखा। तो गाइस, ये प्याज और लहसुन का पेस्ट है, तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से ही पेस्ट बना ले। और हमने अदरक, टमाटर और हरी मिर्ची का भी पेस्ट बनाया। तो गाइज, ये हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये भी हम इसी में ऐड करेंगे, बाकी आगे आपको दिखाते हैं हम जो जो मसाले डालेंगे। तो गाइज, हमारा तेल हो चुका है, अब हम इसमें अपने प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। ब्राउन होने देंगे, उसके बाद इसमें हमने टमाटर और जो हरी मिर्ची का पेस्ट है वो भी ऐड कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद जो भी साबुत मसाले हम पाउडर वाले डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, सूखे मसाले। तो गाइस, ये सूखे मसाले हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है 2 से 2.5 चम्मच है, हमारी जो चिकन है वो 1 किलो है, तो आप उस हिसाब से डालें। जो हमारी सीरी और पाए मटन है जो हमारी 1 किलो है, तो इसके हिसाब से हमने डाला है। नमक आप इस, तो ये 2.5 चम्मच है, ये 1 बड़े चम्मच है जो गरम मसाला, ये 2 चम्मच है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे हम अच्छे तरीके से, भून लेंगे इसको भी अच्छे से। तो गाइस, हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ये थोड़ा पानी अभी इसलिए डाला है ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद और जो हम पानी ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, हमारा जो मसाला है वो भून चुका है, तो हम इसमें जो हमारी मटन है वो ऐड करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और मसाले का कलर भी कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया कलर आया है इसका। तो अब हम कर लेंगे अपने मसाले में अपने मटन को अच्छे से मिक्स, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। हम पानी जब ऐड करेंगे, थोड़ी देर बाद पानी ऐड करेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे। तो गाइस, हमारी जो मटन है वो अच्छी तरह भून चुकी है मसाले में, तो हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मटन से थोड़ा सा हल्का सा ही ऊपर पानी ऐड करना है, अगर आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप हल्का सा पानी डालो और सीटी लगा दें इसमें, जिससे गाढ़ी हो जाएगी, आपको ज़्यादातर ही नहीं चाहिए तो। तो अब हमने पानी ऐड कर दिया, अब हम इसके अंदर सीटी लगाएंगे। तो गाइस, अब हम अपने कुकर पर सीटी लगा देंगे, ढक्कन लगाएंगे, फिर उसके बाद कम से कम 6 से 7 सीटी आने देंगे, क्योंकि ये मटन है तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं बनता। 6 से 7 सीटी आने के बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमने इसमें लगाई है 7 सीटी, तो आप लगा ले अपने हिसाब से। तो गाइस, हमारी जो सब्जी है वो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है, एकदम बहुत अच्छे से इसका कलर भी आया है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है हमारी सब्जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारी वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है।